कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आप सभी ने थ्री इडियट मूवी तो जरूर देखी होगी। थ्री इडियट मूवी में सबसे बेहतरीन रोल अगर किसी ने करा तो वो आमिर खान ने था, और आमिर खान ने जिनका रोल करा था उनका नाम है सोनम वांगचू। आखिर में ये सोनम वांगचू है कौन, मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ? अभी ये काफ़ी चर्चा में है, चर्चा में इसीलिए है, ये लद्दाख के एक इंजीनियर और शिक्षा सुधारक है, क्षेत्र में शिक्षा और कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। 6 मार्च को शून्य से नीचे के तापमान में समुन्द्र तल से करीबन 3,500 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित इनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। विरोध प्रदर्शन का कारण काफी थे, जिनमें से एक है लद्दाख में ऑटोनॉमी लाना और औद्योगिकरण द्वारा हिमालय क्षेत्र की नाजुक परिस्थितियां और ग्लेशियर को होने वाले नुकसान को उजागर करने की ये मांग करते हैं। ये कहते हैं अभी तक इनके साथ करीबन 2000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, लगातार ये इनको काफ़ी 20 से 25 दिन हो चुके हैं यहाँ पर विरोध करते करते। वहीं सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए भूमि संरक्षण और ऑटोनॉमी सुनिश्चित करती है, लेकिन ना तो इस पर सरकार की नज़र है और ना ही मीडिया की। मीडिया बिल्कुल चुप है, मीडिया में दो ही चीज़ें दिखाई जा रही हैं, या तो सरकार जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड होता है वो किस पार्टी को कितना मिला है, कैसे मिला है, वो सब इसके ऊपर भी मैंने वीडियो कराई थी कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या होता है, अगर नहीं देखा तो आइकॉन पे बटन आ रहा होगा, वहां से देख लीजिए। दूसरा, मीडिया में आपको एक चीज और दिख रही होगी कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया, अब केजरीवाल सरकार कैसे चलाएंगे, ईडी को पैसा मिला या नहीं मिला, सरकार क्या कहते हैं शराब घोटाला क्या है, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं है जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं, और ये कोई अपने लिए तो नहीं कर रहे, ये जो है उस राज्य को बचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी, इनकी जो इनका आरोप है कि वह दक्षिण में विशाल औद्योगिक षड्यंत्र और उत्तर में चीनी अतिक्रमण के कारण प्रमुख चारगाह भूमि खो रहे हैं, यानी कि इनका कहना है कि भैया चीनी अतिक्रमण के कारण जो चारगाह है वो अपनी भूमि को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, सरकार की उस पर कोई नजर नहीं है। वहीं इन्होंने कहा है कि जल्द ही 10,000 लद्दाखी चारवा और किसान के बॉर्डर मार्च की योजना भी ये बना रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी मांग कितनी अच्छी है। वहीं वांगचुक ने लेह और कारगिल के लिए अलग से लोकसभा सीट, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अवसर, और लद्दाख में लेह और कारगिल जिलों के लिए लोक सेवा आयोग की भी मांग करी है, जिस पर किसी की कोई नज़र नहीं पड़ रही है। साथ ही इन्होंने कहा है कि सरकार ने यहां पर एक 13 गीगावाट परियोजना थोपने के लिए सरकार की इन्होंने आलोचना भी करी है। क्यों करी है? क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है ना, इसीलिए भी इनकी मांग है कि इसको रोकना चाहिए। ठीक है, काफ़ी समय इनको हो गया है लेकिन इनकी इस मांग को कोई नहीं देख रहा है, किसी का कोई भी ना तो विरोधी जो पार्टी है वो भी समर्थन में नहीं देखने को मिली है। हाल ही इनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन इनका बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन सबसे शर्म की बात यही है कि सरकार की इस पर कोई नज़र नहीं है, और उससे भी शर्म की बात यह है कि मीडिया की कोई नज़र नहीं है, पूरी मीडिया शांत बैठी हुई है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मीडिया में 2 से 3 चीज़ों को ही दिखाया जा रहा है, लेकिन जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं उसका कोई भी जिक्र नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर दबाकर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।